पुलिसकर्मी की 2 माह तकरीबन अस्पताल में उपचार चलने के बाद आज मौत हो गई, जहां पुलिसकर्मी अपने परिचित की शादी समारोह से घर लौट रहा था। उस समय किसी अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि पुलिसकर्मी संजय मीणा नीचे गिरा और सर में गहरी चोट आने के चलते कोमा में चला गया था। 2 माह तक अलग अलग निजी अस्पताल में उपचार चला, लेकिन आज अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल किशनगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। किशनगंज थाना क्षेत्र बाईपास स्थित महू थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक संजय मीणा ने अपने परिचित के वहां शादी समारोह में भाग लेने गया था और वहां से अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर घर लौट रहा था। उसी बीच अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार संजय मीणा की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे कि संजय मीणा नीचे गिरा और सर में गहरी चोट आने के चलते निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई और वह कोमा में चला गया और आज उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों ने विभाग से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलने की व लापरवाही का आरोप लगाया है। किशनगंज पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। दादा क्या नाम है मृतक का, कितने साल उम्र है? मृतक का नाम संजय मीणा जी। किसे मौत हो गई, क्या सूचना मिली आप लोगों? हम तो नागदा रहते थे, 1 बजे मतलब सबका फोन आया और हमारे को मालूम पड़ा वो यहाँ आया तो टी चौतरा में भर्ती किया हुआ था। ये कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, अब सच बात को कोई पता नहीं चला उसका। कहाँ से कहाँ जा रहे थे कुछ पता, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है? साढ़े दस बजे बारात में था ये, वहाँ पे मतलब और वहाँ बारात से वो पूरा नाचना कूदना करा था और जिसके बाद घर आ गया था। घर आने के बाद ये कहते हैं कि वहाँ रोड पे चले गए, बाकी वो घर पे आ गया था, उसकी पत्नी भी घर आ रही थी, ये भी आ रहा था घर पे। कहाँ पर बारात में शामिल होने गए थे? ऐसा कहाँ पर बारात में शामिल होने गए थे ये? वहाँ पास में ही जो यहाँ ये रहता है, कौन सा कॉलोनी? रऊ में। रऊ के पास कॉलोनी कौन सी? रऊ गए थे सर। नहीं, ये मामला कोई एक्सीडेंटल लग रहा है या मतलब कोई संदेह पर सस्पेक्टेड मामला लग रहा है आपको? भाई साहब ये कोई एक्सीडेंटल कोई हादसा लग रहा है क्या? क्योंकि मेरा को मालूम हुआ, आपने टी चौतरा मारा, डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि कोई भारी चीज़ से इनको दी, उनको उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये कोमा में आ गए, इनको ले जाओ। फिर उन्होंने ये बोला था कि कोई भारी चोट से उसका वो मतलब हुआ था। अच्छा, मौत हुई है? हाँ। और कहीं चोटें तो नहीं थी? क्या करते हैं ये? ये पुलिस में थे। कहाँ पर ये ना, कहाँ थे भाई साहब? महू में। महू कोतवाली में। पहले कहाँ? पहले कहाँ में थे? पहले मिलिट्री में थे, वहाँ से रिटायर हो गए। महू में किस पोस्ट पे थे? जवान थे तब, इंस्पेक्टर थे क्या थे? भैया ठीक है ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश चंद मीना करा था। हाँ। साहब ने क्या आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, पापा से बात करी, फिर हम लोग वहाँ से अरेंजमेंट करके 3 बजे आए। हम यहाँ आए तो लड़के से ये बोला गया, लड़का ये बोल रहा हमको जो बैठा था साथ में गाड़ी पे, कि हम वहाँ से आ रहे थे और पीछे से किसी ने गाड़ी में ठोका और ये भैया गिरे और उनके सर पे इतनी चोट है। वहाँ गए, उसके बाद अभी तक 24/11 की खबर घटना है, अभी तक हमको ना तो किसी प्रकार का स्पष्टीकरण है, ना उस प्रकार की किसी जांच का हमको कोई क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है कि आखिर में हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ या और कुछ चीज़ हुई। क्या 24/11 को एक्सीडेंट हुआ? 24/11 का। और आज मौत हुई? हाँ, आज मौत हुई। उसके बाद क्या 3 दिन तक वहाँ रखा था, स्थिति में सुधार नहीं था, हम सैलरी में ले गए थे, आर्मी एक सर्विस मैन थे तो आर्मी में एक सर्विस मैन के हिसाब से ले गए थे, ट्रांसफ़र करवाए थे, वहाँ 1 महीने तक रखा, सुधार भी हुआ, काफ़ी सुधार हुआ था, मतलब वेंटिलेटर हट के जनरल शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद उनने बोला घर ले जाओ, तो हम घर लाए थे, घर पे लाने बाद एकदम उनकी तबीयत बिगड़ी। काय में पदस्थ थे, क्या नाम है इनका? इनका संजय मीणा, मऊ कोतवाली में पदस्थ थे। क्या जवान थे तब, इंस्पेक्टर थे? ये जवान थे, पहले काय में काम करते थे? पहले ये एक सर्विसमैन में सूबेदार मिलिट्री में। कहाँ रहते थे ये? ये नागदा जंक्शन। इंदौर में कहाँ रहते थे? इंदौर में ये अपना ये अपना स्वीट्स के पीछे। परिवार में कौन कौन है इनके? कहाँ पे परिवार में? बच्चे, बीवी? परिवार में एक बच्ची है और उनके भाई। अच्छा, इसके बाद ये भी बताया आप? क्या पता है, ये बोल रहे थे कि बारात से आए थे वहाँ से, अपन को इतना क्लियरेंस नहीं था। अच्छा। तो हमको तो बस क्लियर बच्ची और जो बता रहे उसके हिसाब से। आपका नाम बताओ? मेरा नाम अजय मीणा।